किसी भी नेक कार्य की शुरुआत फीता काटकर अथवा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की जाती है, लेकिन इन सब से हटकर मध्य प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने शराब दुकान पर पत्थर फेंक कर की, जिसकी प्रशंसा करते हुए उत्साहित समर्थकों ने कहा कि वे उमा भारती के इस कदम का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी भारती ने जो पूरे मध्य प्रदेश में शराब बंद हो, जिसके लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है। नशाबंदी होना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, खंडवा में भी होना चाहिए। जय सिद्धिराम, मैं छोटू मंत्री खंडवा से। मध्य प्रदेश में भी शराब बंदी होनी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब बिक्री के विरोध में भोपाल के बरखेड़ी स्थित कलारी में घुसकर पत्थरबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि उमा भारती के इस कदम से कुछ लोग खुश है तो कुछ सुरा प्रेमी विरोध के इस तरीके को लेकर कई तरह के सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार ने इन्हें शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी तभी तो उन्होंने दुकान खोली, और जब सरकार ही उमा जी की पार्टी की है तो फिर यह दिखावा क्यों? क्या प्रदेश सरकार उमा भारती को तवज्जो नहीं दे रही है? भोपाल से डॉक्टर कमलेश मीणा के साथ खंडवा से नीतीश शर्मा की रिपोर्ट।